बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने बेल्ट वाली सलवार सिंपल कटिंग में बताऊंगी और फ्री हैंड कटिंग में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। पहले मैं अब सलवार की लेंथ लेती हूँ। सिंपल सलवार कटिंग के लिए आपने इसकी लेंथ जो है वो 40 लेनी है। 40 में से आपने 9 इंच जो बेल्ट है वो माइनस कर देना है, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 31। मतलब कि मैं 31 शलवार की लेंथ लूँगी। ये मेरे पास 31 मैंने इसकी लंबाई ले ली और चौड़ाई जो है वो मेरे पास होगी इसकी 18 इंच। ये जितनी चौड़ाई है वो मैंने इसमें ले ली। अब यहाँ से मैं इसको डबल कर लेती हूँ। यह मैंने इसको डबल करके रख लिया। ये जितनी लेंथ मुझे ज़रूरत है यहाँ पर मैं इसको काट लेती हूँ। यह मैंने 31 इसकी लेंथ ले ली। 31 लेंथ लेने के बाद सबसे पहले मैं म्यानी का निशान लगाऊंगी। म्यानी का निशान लगाने के लिए हमारे पास जो है ना वो 8 इंच ये मैंने इसका निशान लगाया और यहाँ से पांचा जो है वो मुझे वो भी 8 इंच में मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये 8 इंच मैंने पांचा लिया और ये मैंने म्यानी ले ली। अब इसको कर्व स्केल के साथ मैं इसको सिंपल मिला दूँ। पांचे का निशान लगाया और म्यानी का लगाया और कर्व स्केल के साथ इसको मैंने मिला दिया। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। अब इसकी कटिंग के लिए मैं इधर निशान लगाऊंगी जितनी मुझे पांचा जरूरत है। यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ से मेरी बड़ी प्लेट डलेगी और ये मेरी चुंडों के लिए। इसको मैंने निशान कर लिया, एक साइड पे कर देती हूँ। अब मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। बेल्ट की कटिंग के लिए यहाँ से बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने लेनी है 9 इंच और यहाँ से मैंने इसको 22 इंच पे इसकी चौड़ाई कर दी। ये डबल करके मैं इसकी बेल्ट लंबाई और चौड़ाई उतार दी। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब मैंने ये बेल्ट की कटिंग कर ली। ये लंबाई और चौड़ाई मेरे सामने आ गई, ठीक है। अब इसकी मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं बेल्ट को जोड़ लेती हूँ। ये इसके जोड़ आपस में जोड़ के इसके ऊपर मैं चिपटी सिलाई लगाऊंगी। ये बेल्ट मैंने इस तरह से जोड़ ली आपस में पीस। अब इसकी ये जो सेंटर वाली सिलाई है ना इसके ऊपर मैं चिपटी सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने इसकी चिपटी सिलाइयाँ लगा ली बेल्ट के ऊपर। ये बेल्ट अब मेरी रेडी हो गई है, ठीक है। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ। सबसे पहले मैं अब इसकी म्यानियाँ जो है ना वो स्टिच करके इसको तैयार करती हूँ। ये इधर से मैं दो साइडें पकड़ के इनको मैं स्टिच करूँगी। ये मैंने म्यानियाँ आपस में जोड़ ली है, ठीक है। इसके बाद अब इसके ऊपर जो मैंने फ्रंट वाली साइड पे चुंडी डालनी है वो ये मैंने जो कट लगाए हुए हैं यहाँ से डबल बड़ा बखिया करके डबल सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इसकी चुंडी बनाऊंगी। ये मैंने डबल बखिया करके इसकी चुंडे बना ली, ठीक है। ये मेरी चुंडा को जो फासला है वो 6 इंच है। इसके बाद मैंने बड़ी प्लेट के लिए इसका सेंटर कर लिया। ये वाला सेंटर है, इसको पकड़ के ये जो कट मेरा लगा हुआ है इसके ऊपर रख के और इस तरह से ये मैं इसको इसकी बड़ी प्लेट बना लूँगी। इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ। हाँ जी, ये मेरी बड़ी प्लेट जो है ना वो मैंने इसके ऊपर डाल ली। ये दोनों साइडों पर इस तरह से ये प्लेट इसकी बन गई। अब इसके साथ मैं बेल्ट को अटैच करती हूँ। ये बेल्ट जो कि पहले हमने रेडी किया था ये इसके साथ ये वाली इसकी जो म्यानी वाली सिलाई है और ये बेल्ट की सामने वाली सिलाई इसको इधर रख के ये बड़ी प्लेट के इस साइड तक मैं इसकी जो है ना वो सिलाई लगाऊंगी और इधर से इस साइड तक सिलाई लगा के कम्प्लीट करती हूँ। बाद में इसकी बैक साइड की प्लेट डालूंगी। यह मैंने फ्रंट साइड से इसको इस तरह से बड़ी प्लेट भी और ये सारा जो मैंने जोड़ लिया। अब इसकी बैक साइड पे जो है ना वो कुछ फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होगा जैसे कि ये देखें। अब इसके सेंटर को जब यानी के साथ जोड़ेंगे तो ये कुछ फैब्रिक जो है ना वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। बार दफ़ा ये पूरा भी आ सकता है और बार दफ़ा एक्स्ट्रा भी होता है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम इस तरह से जो है ना वो ये वाली प्लेट बना देंगे। ये वाला इधर से अगर एक्स्ट्रा है तो उसका रुख इस साइड पर होगा और इस साइड से जो प्लेट बनाएंगे उसका रुख इस साइड पर होगा। ये इस तरह से मैं इसको पकड़ के सिलाई लगा दूंगी।
यह मैंने बैक साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मेरी दो प्लेट्स बनी है, इस साइड से एक इधर मैंने मियानी की बना दी और एक इधर बना दी। अब इसकी ये जो फ्रंट साइड से मैं स्टार्ट करूँगी, ये वाली सिलाई है, इसके ऊपर बूट के फासले पे मैं चिपटी सिलाई जो है ना वो लगाऊंगी। अब इसके ऊपर ये मैंने इसके ऊपर चिपटी सिलाई लगा ली, ठीक है। इसकी ये जो नीचे वाली मैंने चुंडों के लिए सिलाई लगाई थी, अब मैं इसको खोल दूंगी, ये मेरी सही हो जाएगी। अब इसके बाद मैं इसको इलास्टिक लगाऊंगी, ये मैंने इलास्टिक इसका उतार के रखा हुआ है अपनी वेस्ट के मुताबिक। इसको मैं यहाँ से स्टिच करके और इसके साथ ये अंदर रखने के बाद इसको मैं टर्न कर लूँगी और ये इसके अंदर फोल्ड करके और यहाँ पे मैं स्टिच लगाऊंगी। ये मेरा इलास्टिक इधर, ये मेरा बेल्ट इलास्टिक जो है ना वो रेडी हो गया और बेल्ट मेरा तैयार है। अब इसके मैं पांचे तैयार करूँगी, पांचों पे मैंने डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन सेट करने के लिए मैं सबसे पहले इसका जो है ना वो लूप्स बनाऊँगी। ये मैंने लूप्स तैयार कर लिए, लूप्स जो है ना पांचे के नीचे इधर मैं डिज़ाइन के तौर पर लगाऊंगी। ये मैंने चेपी की एक पट्टी एक इंच चौड़ी काट के बैक साइड पर लगाई है। या मैं इस तरफ से रख के ये मेरे लूप्स जो है ना इनकी लंबाई जो है वो 2.5 है, ठीक है। ये 2.5 मैंने इसकी लेंथ रख ली, ये सारे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। इसके बाद मैंने इनको इस तरह से टर्न करके इस तरह से रख के साथ साथ इसको मैं स्टिच करूँगी। यह मैंने लूप्स इसके ऊपर लगा दिए, इसके ऊपर अब ये पट्टी में रख के ऐसे तो सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर दूंगी। ये मैंने इसके ऊपर पट्टी लगा के स्टिच करके इसको अंदर की तरफ ये टर्न कर दिया। अब ये मैं इसकी सामने वाली साइड पे इधर मैं इसकी प्लेट्स बनाऊंगी। प्लेट्स मैंने जो है ना वो मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ। ये नीचे से 2 इंच के फासले पे और 1 इंच का जो है ना वो मैं प्लेट लूंगी, ठीक है। उसके ऊपर फिर मैंने 2 इंच छोड़ दिया, उसके ऊपर फिर मैंने 1 इंच जो है ना वो प्लेट का निशान लगाया। इस तरह से 4 प्लेट जो है ना वो मैं इसके ऊपर बना के लगाऊंगी या मशीन से सिलाई लगा के लेके। ये अब मैंने इसकी प्लेट्स जो है ना वो बना ली है, ये इस तरह से मेरे पास डिजाइन सामने आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी जो है ना नाली वाली सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से इसको टर्न करके ये वाली इसकी नाली वाली सिलाई में लगा देती हूँ।